हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की। और टॉपिक हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कोहल और फिनोल। और ये केमिस्ट्री का जो गुरुनीति जेई का है वो सातवां लेक्चर आपके लिए है। इससे पहले हम ऑलरेडी 6 लेक्चर आपको आपसे डिस्कस कर चुके हैं। सभी जानते हैं माई सेल पारसी देहीवाल और मेरे साथ हैं नदीम सर। हेलो, तो कंटिन्यू करते हैं। 6 नंबर तक हम कर चुके हैं और आज वाला जो है एल्कोहल फिनोल ईथर के रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन SN1 और SN2 के भी आएंगे, क्योंकि डिमांड आई थी हमारे पास कि सर SN1 और SN2 के भी कुछ क्वेश्चन डालो, तो वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। डाइओल आपको दिया हुआ है, विसिनल डाइओल दिया हुआ है 1-2 पोजिशन पे, और एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो एक करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है और नेम रिएक्शन है कि जब डाइओल आपको दिया हुआ हो, विसिनल डाइओल आपको दिया हुआ हो और एसिडिक मीडियम दिया हुआ हो, तो सभी ने पढ़ी होगी रिएक्शन का नाम है पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये इस रिएक्शन का नाम है और इसी कंसेप्ट पे हम इसको अप्लाई करेंगे। इस रिएक्शन में होता क्या है, एसिडिक मीडियम सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें, एसिडिक मीडियम में H प्लस उस OH पे अटैक करेगा जिधर से स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो। इस चीज को लाइन को पकड़ के रखें, पहले उस पे अटैक करेगा जिधर से स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो, उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रिएक्शन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है। रीअरेंजमेंट इस वे में करवाना है कि पीछे आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां इसको एक खाली पेज लेके हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है ये वाला, OH यहां लगा हुआ है, OH यहां लगा हुआ है और ये pH और ये pH। अब मैंने बोला कि H प्लस उस OH पे अटैक करेगा जिधर से स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो इस OH पे स्टेबल बनेगा या इस OH पे स्टेबल बनेगा, इस वाले पे स्टेबल बनेगा, क्योंकि दो रिंग किसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वो। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन H+ यहां से अटैक करेगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन बनने के बाद ये सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज का ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में होता क्या है कि दो OH लगे होते हैं, तो एक H2O बाहर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद यहां OH और यहां पे ये जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है ये CH3 इधर से इधर क्या कर जाएगा, माइग्रेट करता है। और जैसे माइग्रेट करेगा यहां पे ये जनरेट हो जाता है OH पॉजिटिव और ये अब ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है और यहां तुरंत ये इसके साथ डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना, ये रीअरेंजमेंट ऐसा क्यों हुआ, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो यहां पे इस कार्बन पे मुझे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तभी तो वो इससे स्टेबलाइज होगा। तो यहां पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा। बट सर जनरली तो 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड नहीं होती है, बट इन दिस केस, मतलब यदि 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो सकती है यदि यहां पे जेड लोन पेयर कंटेनिंग OH हो सकता है या फिर NH2 हो सकता है, तो इस कंडीशन में रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और जैसे ही एक्सपेंड होगी आपके पास ये वाला बन जाएगा। ये देखो, ये पॉजिटिव यहां पे आ गया और इधर आपके पास जेड, तो ये इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। इस केस में 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती है। अपने एनसीईआरटी में भी वो नायलॉन 6 वाला जो, हाँ, नायलॉन 6 वाला बेकमैन्स रिएजेंट, तो यहां से अब हम मुझे इसको एक्सपेंड करवाना है। तो ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, इसको आगे कंटिन्यू करता हूं मैं।
तो ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी यहां से यहां, तो जैसे एक्सपेंड होगी ये वाला बन जाएगा, ये बोन टूट चुका है, यहां OH है, यहां पॉजिटिव चार्ज आया और यहां नेगेटिव चार्ज आया बोन को तोड़ा, तो ये वाला बोन क्या हो गया, बन गया। तो यहां से ये PH ये बोन बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये 7 मेंबर रिंग हो गई, तो इसको थोड़ी सी इसकी शक्ल सही कर देते हैं, 7 मेंबर रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां OH पे पॉजिटिव चार्ज लगा है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे 2 PH लगे हुए हैं। अब मैंने बोला यहां से तुरंत क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O जनरेट हो जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज आंसर मेजर प्रोडक्ट। ऐसा ऑप्शन चेक करने जाते हैं तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है second. और सेकंड, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो पिनेकोलोन का आप कंसेप्ट सुन ले, सबसे पहले उस OH को बाहर करना है या उस साइड कार्बोकेटन बनाना है जिधर स्टेबल कार्बन बनाना, फिर उधर से ग्रुप माइग्रेट करवाना है आपको, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपको सी डबल बॉन्ड O जनरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन रिएक्शन विच सबस्ट्रेट विल गिव मैक्सिमम रेसिमाइजेशन, ये मेन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है और एडवांस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। तो रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये देखें, जब SN1 रिएक्शन होती है तो कैसी रिएक्शन होती है, कि ये एल्किल हैलाइड है और यहां आपने कोई भी न्यूक्लियोफाइल देखा है तो हमने बोला है इसकी ये जो यहां सॉल्वेंट इनको सेपरेट करने का क्या करेगा, काम करेगा, तो ये यहां से इस बॉन्ड का टूटना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब ये टूटेगा तो एक सिचुएशन ये वाली आएगी बीच में, इस पे नेगेटिव चार्ज ये और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं टाइट आयन पेयर, दिस इज कॉल्ड टाइट आयन पेयर। अब इस सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो मान लो आपने 100 मोल न्यूक्लियोफाइल की ले रहे थे और उसमें से मान लो 20% न्यूक्लियोफाइल यही अटैक कर गया और वो बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर है, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन थोड़े समय बाद एकदम से सेपरेट हो जाता है और सेपरेटली आयन आइसोलेटेड फॉर्म में ये क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है, सॉल्वेंट सेपरेटेड डिसोसिएटेड आयन पेयर, हाँ डिसोसिएट आयन पेयर हम इसको कह सकते हैं। तो इस पे बैक साइड 20% न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर चुका है, अब आपके पास केवल 80% न्यूक्लियोफाइल बचा है, तो 40% इस साइड से अटैक कर देगा और 40% इस साइड से अटैक कर देगा, क्योंकि ये प्लैनर हो गया, अब कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन प्लैनर हो गया, वहां तो इस साइड से तो अटैक होगा नहीं क्योंकि हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो बैक साइड, तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि बैक साइड से अटैक कितना हुआ, बैक साइड से अटैक हुआ 20% और 40% बैक साइड अटैक हो गया 60%, मतलब इनवर्जन वाला प्रोडक्ट जो है रिटेंशन से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ये, और 40% हो गया रिटेंशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि रिटेंशन किसको बोलते हैं, जिधर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसी साइड यदि न्यूक्लियोफाइल आया तो उसको रिटेंशन बोलते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया तो उसको इनवर्जन बोलते हैं। तो ये वाला जो है ये कायरल सेंटर है भैया, ये न्यूक्लियोफाइल ये तो बना 60% और RNU ये बना 40%, क्लियर। तो हमें क्या करना है, तो रेसिमाइजेशन तो नहीं हुआ, रेसिमाइजेशन हुआ बट विथ इनवर्जन डोमिनेट, रेसिमाइजेशन हो रहा है बट इनवर्जन वाला प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, हमारे पास एक एनाइसोमर एक्सेस है, 20% एनाइसोमर एक्सेस है, 20% एनाइसोमर एक्सेस है, केवल 80% रेसिमाइजेशन हुआ है, रेसिमाइजेशन कितना हुआ है 80%, क्योंकि एनाइसोमर एक्सेस मतलब किसी एक एनाइसोमर, कोई एक एनाइसोमर एक्सेस में है और वो इनवर्जन वाला एक्सेस में, और कितना एक्सेस में, वो 20%। तो रेसिमाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, रेसिमाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस एनाइसोमर एक्सेस, तो 100 माइनस एनाइसोमर एक्सेस 20% है, तो कितना 80% रेसिमाइजेशन होगा, जैसा मैंने यहां पे बताया है। तो अब क्वेश्चन क्या है समझना भाई, बीच में ये टाइट आयन पेयर पड़ता है, पूरी तरह सॉल्वेंट से ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल का कुछ पार्ट अटैक कर जाता है, इसलिए इनवर्जन वाला डोमिनेट हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम रेसिमाइजेशन हो, 80% तो मैक्सिमम नहीं हुआ, मैक्सिमम मतलब दोनों इनवर्जन और रिटेंशन वाले दोनों 50-50% बने,
वो तभी बन सकते हैं जब इस टाइट आयन पेयर का एग्जिस्टेंस टाइम मिनिमम हो। ये जितने टाइम सेपरेट होने में ले रहा है ना, उतना ही ज्यादा यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सेपरेट हो जाए, जिससे मैक्सिमम रेसिमाइजेशन हो जाए। अब इनको जल्दी से जल्दी सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना ये टाइट आयन पेयर, उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो तुरंत हेलोजन को छोड़ देगा। तो हम एक लाइन ये लिख सकते हैं कि एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन इंक्रीज। एक तो ये देखो कि जैसे जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइट आयन पेयर का एग्जिस्टेंस टाइम मिनिमम हो जाएगा और ये जल्दी सेपरेट हो जाएगा, तो यहां आके अटैक होगा मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल। या फिर दूसरा ये है कि आप न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल की पावर को कम कर दो। पावर अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसकी कंसंट्रेशन हमने कम कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि पहले कार्बोकेटाइन सेपरेट हो जाता है उसके बाद मैं अटैक करता हूं। मतलब एक तरह से वो क्या होगा, आलसी टाइप का हो जाएगा कि यहां क्यों अटैक करूं मैं, ये सेपरेट होगा तब मैं अटैक करूंगा। अगर पावरफुल है तो उसके सेपरेट होने का वेट भी नहीं करेगा, उससे पहले वो क्या करने देगा, अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो दो कंडीशन मैंने बोली, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम होगी तो भी परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन बढ़ेगा। इसमें एक बात और देखे होंगे कि SN1 में जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं और SN2 में पोलर एप्रोटिक है, क्या कि अगर SN1 कराना है तो इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने के लिए हमें एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, क्योंकि ये हाइड्रेट करके इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अलग होगा तभी तो SN1 होगा, तो इसीलिए उसमें क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं पोलर प्रोटिक। अब इसको आपको अलग करने से बचाना है या कम से कम अलग करना है ताकि बैक साइड ज्यादा अटैक करवाना है, दैट इज SN2, तो वहां पे इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अवॉइड करते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि सेपरेट हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें उसमें क्या चाहिए होता है, बैक साइड अटैक, इसमें चाहिए होता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें पहुंचाना पड़ेगा, तो भैया ये इसमें तब पहुंचेगा जब अलग होगा, तो अलग करने के लिए ही उसमें जरूरत क्या होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। अब जैसे कहा कि अगर वो ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट ही मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो आप जानते हो उसमें लिखा होता है कि पुअर और वीक होना चाहिए, है ना सर? वीक क्यों होना चाहिए, जैसा सर ने बताया कि अगर स्ट्रांग होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा यही पर अटैक कर देगा, और अटैक कर देगा तो मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन मिल जाएगा। हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, रेसिमाइजेशन। तो हमें अवॉइड करना है कि पहले तो ये कम अटैक हो यहाँ पे, इसलिए पुअर ले लिया, फिर हमें अवॉइड करना है ज्यादा इस पर अटैक हो, तो इसको अलग करने के लिए हमने पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट ले लिया। इसमें ज्यादा जल्दी पहुंचाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कि जल्दी कौन पहुंचेगा, जिसका कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है। तो कंसेप्ट फाइनली दो पॉइंट पे खत्म करता हूं, एकदम कंक्लूड की पॉइंट दे देता हूं मैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगी, रेसिमाइजेशन बढ़ेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो भी रेसिमाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखा, अब यहां पे क्वेश्चन जो था वो क्या था हमारा, ये है, फॉर द गिवन रिएक्शन विच सबस्ट्रेट विल गिव मैक्सिमम रेसिमाइजेशन। तो जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन ये बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन ये बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और यहां कार्बोकेटाइन ये बनेगा। अब स्टेबिलिटी चेक, अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देखो, यहां रिंग के साथ रेजोनेंस, ये भी रिंग है, रिंग के साथ रेजोनेंस, रेजोनेंस इसका क्या लगेगा, प्लस आर लगेगा, और इसका प्लस एच लगेगा। यहां इसका माइनस आई लगने वाला है, इसका माइनस आर लगने वाला है, ठीक है, प्लस है वहां पे, ओके, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास बन रहा है थर्ड में, तो मैक्सिमम रेसिमाइजेशन यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो टाइट आयन पेयर है ना, उसका एग्जिस्टेंस टाइम मिनिमम होगा, वो जल्दी से सेपरेट हो जाएगा, तो आंसर जाएगा नेक्स्ट। ये करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल टुवर्ड्स SN2। तो SN2 रिएक्शन है ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस से कंट्रोल होती है। मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, SN2 मैक्सिमम होगी। और ट्रांसन स्टेट क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलाइलिक वाला देगा, क्योंकि यहां TS क्या होगी, स्टेबल होगी, बिल्कुल। तो सबसे पहले सेकंड, उसके बाद ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है,
हमें पता है कि इसके तो ये रेजोनेंस के कारण इस सिंगल बॉन्ड में पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट आ रहे हैं, इस बॉन्ड का इजी वे में क्लीवेज नहीं हो पाएगा, तो ये तो मिनिमम रिएक्टिव है, ठीक है मिनिमम। अब यहां पे 2 डिग्री 2 डिग्री एलाइलिक से ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड, ये वाला सबसे ज्यादा होता है रिएक्टिव, फिर ये वाला होता है रिएक्टिव, फिर उसके बाद एलाइलिक होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 डिग्री अवॉइड भी करता है SN2 की तरफ जाने के लिए, कोई स्पेशल केस हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये अवॉइड कर देता है। तो यहां सबसे पहले सेगिन आएगा, उसके बाद 2 डिग्री 2 डिग्री, तो इसमें देखो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहां बैक साइड अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और यहां इजी वे में क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, तो फिर फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद थर्ड आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट मिनिमम, सिंपल ठीक है। नेक्स्ट, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कंसंट्रेट एस्टोसोपोर दिया हुआ है, कंसंट्रेट एस्टोसोपोर एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, मतलब H2 को क्या करता है बाहर करता है, पर सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बनेगा, और ये किस मैकेनिज्म से जाता है, E1 मैकेनिज्म से जाता है, और E1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कौन होता है, कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में वो बीटा हाइड्रोजन आपको रिमूव करनी है जिससे स्टेबल एल्किन बनती हो, विद रेस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में वो बीटा अल्फा हाइड्रोजन आपको रिमूव करनी होती है जिससे स्टेबल एल्किन बनती हो। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन यहां से ये H+ अटैक किया और ये बाहर हो गया, तो सबसे पहले आपके पास जो कार्बोकेटायन बना वो ये वाला बना, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इथाइल, और ये अब यहां पे क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इसके बाद आपके पास बन जाएगा ये वाला, यहां पे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये इथाइल। अब इस रिएक्शन में इसके रेस्पेक्ट में यहां हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 1,2-ethyl शिफ्ट करवाना पड़ेगा, 1,2-ethyl शिफ्ट, जैसे 1,2-ethyl शिफ्ट होगा आपके पास बन जाएगा ये वाला, अब सिस्टम एरोमेटिक नजर आ रहा है कि यदि मैं ये इसके रेस्पेक्ट में कलर चेंज करना सर, रेड लेके आना, हाँ, अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाली हाइड्रोजन भी है और ये वाली भी हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन हटाता हूं तो सिस्टम एरोमेटिक नहीं बनता है, और ये हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये ऊपर वाली रिंग क्या बन जाती है, एरोमेटिक बन जाती है, तो इस कंसेप्ट पे इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर आपके पास जाएगा फर्स्ट वाला, तो ध्यान रखें इसमें ड्राइविंग फोर्स एरोमेटिसिटी था इसलिए 1,2-ethyl शिफ्ट होगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लेंथ देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लैंग्वेज पढ़ोगे क्वेश्चन की तो बहुत इजी है। ए कंपाउंड C8H16O हैज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एक कंपाउंड है C8H16O, तो इसका आप DU निकालोगे ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसका 1 आएगा, और होपफुली सभी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आता होगा, तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 2 है, एक साइक्लिक चक्र, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी 2 है ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 2 है ये भी नहीं हो सकता, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकाल सकते हो C+1-H+Ax-N/2, इससे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हैलोजन -नाइट्रोजन/2, इससे निकालोगे तो 1 वैल्यू आएगा वहां पे, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो इजी वे में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर तो पता लग गया हमें, फर्स्ट होगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो कंसंट्रेट HCl + anhydrous ZnO
Cl2। दिस इज लुकास रिएजेंट, ये लुकास रिएजेंट होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल तो रैपिडली व्हाइट टर्बिडिटी देता है, तो पर टेस्ट के बारे में बता देते हैं। लुकास रिएजेंट क्या है? ये 3 डिग्री अल्कोहल है, कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, ये यहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H प्लस अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये बन जाएगा R, ये CR, और ये पॉजिटिव। H2 को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? ZnCl2। उसके बाद Cl माइनस क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा, तो ये R, ये R, और ये Cl, और ये H2, H2 साइड में निकल रहा है। तो ये देखो, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, बट आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ते हो कि एल्किल हैलाइड इमिसिबल या लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर। तो ये एल्किल हैलाइड है ना, इस वाटर में बहुत कम सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल है, इसलिए हमारे पास ना तो पूरी पीपीटी आती है। भाई पीपीटी कब आए? प्रेसिपिटेशन कब आए? जब पूरी तरह इनसोल्यूबल हो। क्लियर सॉल्यूशन कब आए? जब पूरी तरह सोल्यूबल हो। और अगर बीच की कंडीशन आ गई, मतलब लेस सोल्यूबल है, तो टर्बिडिटी अपीयर होगी और वो तुरंत होगी क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो रही है, कार्बोकेटन जल्दी बनेगा, तो रैपिडली या इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी यहां क्या हो जाती है? अपीयर होती है। टर्बिडिटी क्यों आती है? उसका कांसेप्ट ध्यान रखना, वाटर में एल्किल हैलाइड लेस सोल्यूबल होता है। अब यही बात अगर 2 डिग्री के साथ करें तो 2 डिग्री में यही सेम रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसके कंपेरिजन में लेस सोल्यूबल है, फिर Cl माइनस, तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी, मतलब आफ्टर 5 मिनट यहां व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर होगी। और 1 डिग्री जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करता नहीं है, हाई टेम्परेचर पे आफ्टर 30 मिनट रिएक्शन अपीयर होती है, ठीक है। तो ये लुकास रिएजेंट है जिससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल रैपिडली देगा, 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर 30 मिनट देगा। तो इसमें हमारे पास इट रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट विद 5 मिनट, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री है। फिर ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव कंपाउंड एक्स। अगर आप इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपके पास देखो इधर ये हुआ अल्कोहल है H प्लस और हीट किया है तो वापस से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन, और वो भी वाया E1 कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, ये बन जाएगा, फिर 1-2 क्या हो जाएगा? 1-2 मिथाइल, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ये 1-2 मिथाइल शिफ्ट, और इसके बाद आपको H ये निकल जाएगी, स्टेबल एल्कीन बन जाएगी। तो ये वाला प्रोडक्ट बना सेकंड वाला। तो इसके बारे में क्या बोला है? मैं पूछा ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव अ कंपाउंड एक्स, एक्स बन गया, व्हिच कैन डीकलराइज केमोनोफोर एज वेल एज BrCl4। हां करेगा, डबल बॉन्डेड एल्कीन केमोनोफोर से ऑक्सीडाइज हो जाती है, केमोनोफोर को ऑक्सीड, केमोनोफोर खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में, तो डीकलराइज हो जाएगा। तो इसको Br2 के साथ करोगे, Br2 वाटर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, तब आपके पास ये बन जाएगा Br, और ये भी Br। केमोनोफोर से आप जाओगे तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज कर देगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इधर भी ये वाला बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑफ, ठीक, ये वाला बन जाएगा ऑक्सीडेशन कीटोन में, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो यहां देखेंगे तो ये सही है, सही कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाला बन रहा है। फिर कंपाउंड अक्ष, कंपाउंड अक्ष जो बना था हमारे पास, ये वाला बना था, ओजोनोलाइसिस, इसका ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बन जाएगा, वाई बन गया। अब वाई I2NaOH, ये हेलोफॉर्म टेस्ट है, और हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन हमने पढ़ी है कि ये जिस कंपाउंड में ये मेथिल कीटोन का स्केलेटन होगा वो हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तो यहां से ये तो हेलोफॉर्म में जाता है CHX3, और उधर वाला जो भी स्केलेटन है उसका क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। दिस इज हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट के पीछे भी हमने क्वेश्चन डाले हैं कि जिस कंपाउंड में ये वाला स्केलेटन होगा, मेथिल कीटोन स्केलेटन होगा, वो कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो क्या अपने इस कंपाउंड में है ये स्केलेटन? इधर भी, इधर भी। तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो 2 मोल ऑफ आइडोफॉर्म, तो देखो इधर CH3 और इधर CH3, तो यहां भी आइडोफॉर्म और यहां भी
आइडोकोम, और साइड में ये वाला सॉल्ट बन जाएगा डबल बोन ओ, और ये डबल बोन ओ, ओ माइनस एन ए और ओ माइनस एन ए। तो बोल रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडा लाइम से क्या बन जाएगा एन ब्यूटेन बन जाएगा, और देन डी एक्स वाई आर, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें रिएजेंट डालना है आपको। ये देखो यहां पे रिडक्शन हुआ है, एल्डिहाइड का भी रिडक्शन हुआ है और डबल बोन का भी रिडक्शन हुआ है। मेटल एच टू मतलब मेटल कैटलिस्ट, तो यहां पे जैसे निकिल एच टू ले लू, तो निकिल एच टू डबल बोन का रिडक्शन भी करता है और एल्डिहाइड का रिडक्शन भी करता है, तो ये रिएजेंट आ सकता है। एल आई एल एच फोर ओनली दिस इज रिड्यूस, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, NaDH4 भी केवल किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, तो आल तो नहीं आएगा आंसर। NaBH4 और LiLH4 केवल कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेंगे इन दिस केस। और ये जो निकिल H2 है या मेटल कैटलिस्ट है, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देगा और इसका रिडक्शन कर देगा, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, TSCl और OH आपको दिया हुआ है, तो यहां पे देखो इसको हम लगाते हैं क्वेश्चन को। स्टीरियो का आप ध्यान रखेंगे, OH आपको यहां दिया हुआ है और CH3 आपको यहां दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है TSCl, तो यहां से HCl क्या हो जाएगा बाहर, OTS हो जाएगा, और HCl बाहर हो जाएगा तो OTS बन जाएगा। कायरल सेंटर पे रिएक्शन हुई नहीं है तो उसकी स्टीरियो से कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, और ये बन जाएगा OTS। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि TSCl है क्या। ये टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब ये वाला कंपाउंड है, टोसिलेट भी बोल देते हैं इसको, ये वाला कंपाउंड TSCl इसको बोलते हैं। अब इस पे अल्कोहल ने कैसे अटैक किया होगा, कोई किसी के दिमाग में आ रहा है, तो ये देखो ROH इसके लोन पेयर है, ये यहां अटैक किया, ये यहां से यहां ये वापस आया और इस Cl को क्या कर दिया बाहर कर दिया, तो CH3 और ये रिंग एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ये पॉजिटिव और ये आर और ये एच यहां से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो एल्कोहल का एच गया है ना और इसका सीएल बाहर गया है, तो वो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आगे बात समझे, तो ये यहां पे इसको बोलते हैं, इतने वाले को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं टीएस से और ये सीएल टीएस, टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल, ठीक है। तो ये बना, इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, इसके बाद आगे दिया हुआ है के आई डी एम एस ओ, के आई डी एम एस ओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एसएन टू को फेवर करेगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपके पास आई माइनस, तो ये एसएन टू से अटैक करेगा। ओटीएस वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या है गुड लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है अच्छा, तो एसएन टू से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा, मतलब लिविंग ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है तो न्यूक्लियोफाइल अबाउ द प्लेन आ जाएगा, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ये सी एच थ्री और यहां पे अबव द प्लेन, अबव द प्लेन और ये आई। उसके बाद आपको दिया हुआ है के ओ एच और ई टी ओ एच, मतलब ये हो गया एल्कोहलिक के ओ एच, के ओ एच ये क्या करता है एच एक्स को बाहर करता है और इस वे में करता है कि स्टेबल एल्कीन बनी हो, तो इस आई के रेस्पेक्ट में ये एल्फा हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, और एंटी पेरिप्लेनर पे है ये, तो ये एच और ये आई क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, एच आई बाहर हो जाएगा और ये हुई है वाया ई टू, एंटी पेरिप्लेनर लिविंग ग्रुप और एच जो है वो एक दूसरे के एंटी पे होनी चाहिए, तो एंटी पे है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहां आपके पास बन गया वो ये वाला बन गया, ठीक है। इसके बाद आगे के रिएक्शन आते हैं, तो इसकी रिएक्शन आर मेजर बन गया, बी टू एस सिक्स टी एच एफ एस टू ओ टू ओ एच करवाना है, तो आर जो बना वो ये वाला बना है। अब इसकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसके लिए कंसेप्ट मैंने पीछे बोला था OH वहां जहां भीड़ कम, ठीक है। एच हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एच एंड OH का एडिशन होता है और सिन एडिशन होता है, और ये OH ऐसे ध्यान रखिए वहां जहां भीड़ कम। अब इस डबल बॉन्ड पे भीड़ कम है या इस डबल बॉन्ड पे भीड़ कम है, तो उस पे कम है तो उस पे OH जाएगा और इस पे H जाएगा, तो विथ स्टीरियो अगर मैं दिखाऊं
तो ये देखो OH अगर इस पे दिखाया तो एच भी इसी पे दिखाना पड़ेगा, या फिर अगर आपने OH इस पे दिखाया है तो एच भी इसी पे दिखाना पड़ेगा। अगर OH यहां दिखाया है तो एच यहां दिखाया तो CH3 यहां आ जाएगा और इसका CH3 यहां आ जाएगा। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा आपके पास, ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाए तो OH, और देखो ये OH यहां है ना तो इसका एच यहां है क्योंकि CH3 यहां है तो ये तो सेम साइड हो गए, और इसका OH और इसका H यहां है तो ये एंटी हुआ, एंटी एडिशन तो होता ही नहीं है तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। एक बात और ले ध्यान रखना, इसको हटाइए तो इस रेड वाले को लाइए, तो रेड वाले को रेड वाले नहीं है इसको हटाइए, रेड सिर्फ आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, एक जो अभी बताया गया था यहाँ पे सर ने जो बताया था एलिमिनेशन में, जैसे यहाँ पर क्या तो आया था ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आई आया था, आई आया था, आई था और यहाँ पे क्या था CH3। एक बात ध्यान रखना इसमें, जैसे सर ने बताया कि अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो E2 होता है, भाई अगर ओरिएंटेशन दिया है तो लिविंग ग्रुप मस्ट बी NT। अब जैसे मान लो कि जैसे इसमें तो स्टेबल एल्किन बन गया, यहाँ पे भाई चलो हमें NT मिल रहा था, H यहाँ पर भी आपको बीटा पर H NT मिलेगा। अब हमें जो स्टेबल ज्यादा मिल रहा था वहां से ले लिया, बाई चांस ऐसा होता कि ये CH3 किधर होता, नीचे, जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाता, जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाता, मैं हाँ देता हूं, अगर आई यहां है हाँ और CH3 यहां है हाँ, तो इस आई के ये वाला एच एंटी नहीं है हाँ, ये वाला एच बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, फिर ये वाला एच बाहर जाएगा। तो ओरिएंटेशन अगर दिया हुआ है तो स्टीरियो का ध्यान रखेंगे जरूर, आप पहले एंटी देखो कि कौन एंटी है हाँ, अगर आपको दो तरफ से मिल रहा है तब आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देख लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये कंपाउंड ए और डाइल्यूट एस्टोसोफोर, तो वही बात आ गई कि डाइल्यूट एस्टोसोफोर से क्या होता है, ए कोई एल्कीन है जैसे आपको ऑप्शन में बनाना है तो डीहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन हुआ है H2 का एडिशन, तो इस पे देखो H प्लस H2O, तो ये यहां से यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल और H प्लस क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, और तो ये कार्बोकेटाइन और यहां पे आगे वाटर का OH क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, मतलब बन जाएगा इसके तो, मतलब इसमें इससे तो ये बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं डबल बॉन्ड यहां है तो ये H प्लस अटैक करेगा, पहले ये यहां से यहां गया तो ये बन गया H और ये पॉजिटिव और ये CH3 CH3, अब 1-2 क्या हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा, इसमें तो 6 मेंबर्ड रिंग ही नहीं बन रही है CH3 और ये CH3 और ये पॉजिटिव और यहां पे कौन जुड़ जाएगा OH, तो 6 मेंबर रिंग ही नहीं बन रही है तो सेकंड आंसर में नहीं आएगा। इसके बात करते हैं तो ये वाला तो नहीं आएगा, इसकी बात करते हैं तो ये यहां से यहां पॉजिटिव, फिर रिंग क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा और रीअरेंजमेंट के थ्रू जाओगे तो ये वाला बन जाएगा, मतलब ये हाइड्रेशन है, इन एसिडिक मीडियम एल्कीन का हाइड्रेशन वाया कार्बोकेटाइन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। इसमें बात करें तो इसमें भी आराम से बन जाएगा, एक तरफ एच जुड़ जाएगा और एक तरफ OH जुड़ जाएगा, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ में बन जाएगा, सेकंड में नहीं बनेगा, सिक्स मेंबर रिंग ही नहीं आएगी। नेक्स्ट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अल्कोहलिक KOH दिया है और सबको पता है अल्कोहलिक KOH HBr को क्या करने वाला है बाहर, और ये रिएक्शन होती है वाया E2, और वाया E2 का मतलब एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर का मतलब ये है कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन एंटी पे होनी चाहिए, तो इसके लिए एक सीधा सा ट्रिक मैं बता देता हूं आपको वो समझे, आप सबसे पहले इस एच को यहां ले आए और इस Br को यहां ले आए और ये प्रोसेस करोगे आप तो फिशर का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है इवन चेंज, तो मैं इसमें इवन चेंज मतलब इसमें दो बार चेंज करता हूं जिससे मुझे ये सेम ही बने, H वहां गया CH3 यहां आया फिर CH3 को उधर ले गया और फिर PH यहां आ गया, इसमें भी मैं Br को यहां ले आया CH3 यहां CH3 उधर लेके गया क्योंकि दो बार चेंज करना है CH3 और ये PH और ये Br। अब देखो ये अल्फा और ये बीटा एच और बी आर, अभी ये जो है पेरिप्लेनर वो कौन सा है सिन पेरिप्लेनर है, कौन सा पेरिप्लेनर है सिन पेरिप्लेनर, रिएक्शन किससे करवानी है एंटी पेरिप्लेनर से, तो जो सिन से आंसर आ रहा है उसका अपोजिट आंसर कर दो
एंटी कॉन्सोनेंट आ जाएगा। ये एकदम की पॉइंट है, पकड़ के रखें। पहले एच और बीआर को यहां ले आए, यहां लेके आए तो वो सिम पेरिप्लेनर हुआ। रिएक्शन होती किससे है? एंटी पेरिप्लेनर से। तो हमें एंटी पेरिप्लेनर का आंसर बनाना है, तो जो आ रहा है उसका क्या कर दो? अपोजिट कर दो। तो यहां से देखो, ये एच और ये बी आर बाहर हुआ, तो ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री और ये पी एच और ये पी एच बना, तो ये क्या बना? सिस। बट ये तो तब बनी जब मैंने रिएक्शन किससे करवाई? सिम पेरिप्लेनर से। रिएक्शन होनी किससे है? एंटी पेरिप्लेनर से। तो इसका जस्ट अपोजिट आंसर कर दो और वो आंसर हो जाएगा ये क्या? ट्रांस। ये वाला आंसर इसका आएगा। तो ट्रांस वाला जो है वो इसका आंसर आएगा और वो है आपके पास सेकंड। आप इसका मतलब सर ये कह रहे हैं कि अगर सीधा सीधा, अगर मान लो ऐसे बना लिया आपने, एक बात और देखो, इसमें फिशर प्रोजेक्शन दिया है, ऐसे ही सौ हॉर्स भी दे सकता है, ऐसे न्यूमान भी दे सकता है। चूंकि उसमें रोटेशन पॉसिबल है तो आप फिशर प्रोजेक्शन बना के उसको इस फॉर्म में लाओ, सिम पेरिप्लेनर के फॉर्म में, और देख लो यहां पे सेम वाला अगर सेम साइड है तो ट्रांस बना दो, और सेम वाला अगर अपोजिट साइड आया तो सिस बना दो, सीधी सिस बना दो। लेकिन अगर रिजिड स्ट्रक्चर दिया है साइक्लिक में, जैसे बेस डैश बनाकर दिया है भाई, तो वहां मत बदल देना, वहां पे एंटी होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहां पे ये बोला ये एच है, ये बी आर है, ये सी एच थ्री है और ये पी एच है और ये सी एच थ्री है और ये पी एच है। अभी तो ये सिम पेरिप्लेनर है, तो इसको एंटी में लेके जाओगे तो यहां रोटेट करोगे, रोटेट करोगे तो ये सी एच थ्री, ये पी एच और ये बी आर, ये एच, ये सी एच थ्री और ये पी एच। अब देखो ये एच और ये बी आर, देखो पी एच, पी एच क्या आ रहे हैं? अपोजिट साइड। सॉरी ये बी आर, ये जाएगा, ये पी एच है यहाँ पे, ये पी एच, पी एच क्या आ रहे हैं? अपोजिट साइड। तो सीधा सा कंसेप्ट है, पीसर में अगर आपको दिया हुआ है तो पहले उसको यहां ले आओ इवन चेन से, फिर सिम पेरिप्लेनर से रिएक्शन करवा दो, जो आ रहा है आंसर उसका अपोजिट आंसर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट PCl5 क्या करता है? OH की जगह क्या सप्लाई करता है? Cl। तो ये तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ये वाला O और ये CH2Cl, फिर Mg ईथर, ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो यहां ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा O CH2Mg और ये बन गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है प्लस टू और ये माइनस, तो ये यहां से न्यूक्लियोफाइल है। आपको इपोक्साइड रिंग दी हुई है और ये वाली इपोक्साइड रिंग दी हुई है, हाईली स्ट्रेंड। अब इसके लिए मैंने बोला था कि अगर रिएक्शन, जैसे पीछे के लेक्चर में बोला है कि यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो मोर हिंडर्ड साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो ये बेसिक मीडियम ही तो हुआ, ये बेस भी तो है, ये न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, बेस और वो भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस साइड से अटैक नहीं करेगा, बस इसमें यही बताना है, केवल ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा और ये यहां से यहां, तो उधर बन जाएगा O माइनस, फिर इधर आपके पास ये सी एच टू और ये फिर आपको दिया हुआ है फाइनली प्रोडक्ट, मतलब एच टू सप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे तो ऐसा ऑप्शन अपने पास आएगा CH2CH, ये वाला फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ए कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन गिव एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये वाला ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन से बना है तो ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना है, 1 डिग्री अल्कोहल रहा होगा इसका मतलब, 1 डिग्री अल्कोहल। The again acetaldehyde, then again on oxidation give acid. अब इसका further oxidation करोगे तो aldehyde group का oxidation हो जाता है और CH3COH में convert हो जाएगा oxidation करोगे तो। After first oxidation it was reacted with ammonical AgNO3. इसको आपने ammonical AgNO3 NH4OH, इसको आप famous reagent है, tollens reagent test for aldehyde, aldehyde का test है, Schindler-Miller test है। तो ये AgNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा CH3COH में और Ag+ है ना, वो जाएगा Ag में, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, टोलेंस रिएजेंट इस टेस्ट का नाम है और इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिलर।
ठीक है, सिल्वर मिरर तो ये बन जाएगा, तो प्रोड्यूस लाइकली टू बी, देन सिल्वर मिरर वाज प्रोड्यूस लाइकली टू बी, तो 3 डिग्री एल्कोहल नहीं हो सकता, एसिटेट नहीं सकता, एसीटोन का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब यहां आपको ये पता होना चाहिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किन-किन को रिड्यूस करता है, तो भैया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन कर देता है एल्कोहल में, सही है। तो यहां एस्टर है, एस्टर का रिडक्शन कैसे करता है ये आप देख लें, आप यहां पे एस्टर का रिडक्शन, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसका रिडक्शन कैसे करता है, आप यहां से तोड़ दें इसको और इधर बना दें RCH2OH और इधर भी बना दें ROH, तो यहां एस्टर लगा हुआ है तो यहां से टूटेगा, तो ये तो किसमें चला जाएगा CH3CH2OH में, ये वाला पार्ट तो, और ये भी यहां से टूटेगा तो इधर किसमें चला जाएगा CH3OH में। अब इस पे क्या बन गया, इस पे आपके पास ये बच गया, ये वाला, ये और ये OH में कन्वर्ट हो गया, और इधर आपके पास ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ये वाला आंसर आ जाएगा। देख लो मैंने कैसे तोड़ा है इस बॉन्ड को, तो इधर भी H और इधर भी H, तो पहले ये एल्डिहाइड में जाएगा, फिर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, RCH2OH में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन अगर चेक करने जाओगे सेकंड ये डबल बॉन्ड, हाँ थर्ड, थर्ड आएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी है तो वो चेंज नहीं होगी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि मैग्नीशियम और टीएच टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये वाला, ये ईथर है, साइक्लिक ईथर, यहां एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम ईथर दिया है, तो ये तो सबको पता है कि यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको दिया हो कि एस ब्रोमोब्यूटेन, मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है जिसका कॉन्फिगरेशन एस ब्रोमोब्यूटेन आपको दिया हुआ है, तो यहां आप ये देखें कि CH3, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे दिखा दूं इसको CH3, और ये मैंने दिखाया ET और उधर चला गया BR और इधर चला गया H, ये मैंने उसका फीसर ले लिया। अब जब रिएक्शन होती है ना एल्किल हैलाइड, तो जो मैग्नीशियम इंसर्ट करवाते हैं हम, ये मैग्नीशियम इंसर्ट होता है इन दोनों के बीच में, रिएक्शन होती है वाया फ्री रेडिकल, किसके थ्रू होती है, वाया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब पहले फ्री रेडिकल बनेगा, उसके बाद जो एमजी है ना वो इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी जुड़ सकता है, मतलब दोनों साइड में मैग्नीशियम आ सकता है, तो यहां दो पॉसिबिलिटी आपके पास आएगी, कैसे, पहले यहां फ्री रेडिकल बना तो ये बना CH3H और ये ET और ये रेडिकल, ठीक है। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो जब मैग्नीशियम जाएगा तो मैग्नीशियम ऊपर की तरफ भी जा सकता है और मैग्नीशियम नीचे की तरफ भी जा सकता है, तो इससे दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक तो CH3MgBrH और ये ET, एक इधर CH3ETH और ये MgBr, मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कायरल सेंटर पे ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हो तो ग्रिग्नार्ड एजेंट दोनों साइड बन सकता है, जैसे यहां मैंने दोनों साइड बनाया, फिर D2O, तो यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, D2O एसिड बेस रिएक्शन, D प्लस और OD माइनस, तो इसमें तो D जाएगा इधर और इसमें D जाएगा इधर, तो एक में तो बनेगा ये वाला DHCH3ET और एक में CH3DHET, तो इस BR के रेस्पेक्ट में रिटेंशन भी हुआ और इन्वर्जन भी हुआ, भाई BR के जैसे ये वाला प्रोडक्ट रिटेंशन वाला है, जिधर BR है उधर ही D है, तो ये रिटेंशन है और इसमें बैक साइड गया तो ये इन्वर्जन है, तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन विल बी ऑब्जर्वर, ये बताना है मुझे। इस क्वेश्चन देने का कंसेप्ट एक ही है, वो यही है कि कायरल सेंटर पे अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हो तो वो दोनों साइड ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा, क्योंकि रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल से, तो एक स्टेप ऐसी आती है जब वो फ्री रेडिकल फॉर्म में आता है।
ठीक है, हाँ रेसे मैच दूंगा। जैसे ये एल्किललाइड लिया आपने, तो ये टूटा आर पॉजिटिव और अक्स माइनस में, फिर आर पॉजिटिव हुआ ना तो आपके पास है मैग्नीशियम, ये जाएगा मैग्नीशियम Mg प्लस 2 में, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको न्यूट्रल कर देगा, मतलब ये बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही ये रेडिकल बन गया। अब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहां पे R माइनस में जाएगा, उसके बाद Mg प्लस 2 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है ब्रिज रिडक्शन मैकेनिज्म, तो पहले भी इसका वैसे बताया हुआ है। हाँ पहले भी बात की हुई है, बट इसके बारे में थोड़ी सी दो तीन चीजें बता देता हूं। ब्रिज रिडक्शन का मतलब क्या है, 1,4 एडिशन होता है किसमें, इन कॉन्जुगेटेड डाई, 1,4 एडिशन होता है। जैसे मैंने ये लिया ना CH2 डबल बोन CH डबल बोन CH2, कॉन्जुगेटेड डाइन का रिडक्शन करता है, एल्काइन का तो करता ही करता है, एल्काइन के रिडक्शन में तो ट्रांस एल्किन बनाता है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये कॉन्जुगेटेड डाइन का रिडक्शन भी करता है, 1,4 एडिशन देता है और आइसोलेटेड एल्कीन का रिडक्शन नहीं करता। तो यहां 1,4 का मतलब है ये HH का एडिशन होगा, एक H यहां जाएगी, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से आप डायरेक्ट आंसर से निकाल सकते हो। तो एक्चुअली में क्या बनेगा, CH3H डबल बॉन्ड C और ये H और ये CH3 बनेगी क्या, ट्रांस ही बनेगी। कॉन्जुगेटेड डाइन का रिडक्शन करता है 1,4 एडिशन, मतलब 1,2,3,4 1,4 एडिशन करता है। बेंजीन का रिडक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में है, बेंजीन, तो यहां से आप देखोगे 1,4 एडिशन, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन हो गई, तो 1,4 एडिशन मतलब एक एच यहां जाएगा और एक एच यहां जाएगा, तो इससे ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, जैसे यहां बताया मैंने, ये एच और ये एच, तो हो गया ना, ये अनकॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन का रिएक्शन भी करता है। अब यहां पे यदि रिंग पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और यदि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में तो इप्सो एंड पेरा कहां जाएगा, इप्सो और पेरा, कलर चेंज करना एक मिनट ना, और यहां पे ऑर्थो एंड मेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो हाइड्रोजन जाएगा ऑर्थो और मेटा पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ तो इप्सो और पेरा पे, होना कैसा चाहिए 1,4। अब चेंज करना, अब देखो इधर इप्सो पोजीशन है ये, तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, तो ये 1,4 हो गया, और यहां ऑर्थो, ये ऑर्थो लोगे तो ये मेटा नहीं लेनी है, ये मेटा लेनी है, क्योंकि 1,4 तभी हो पाएगा H और H, 1,4 भी तो सेटिस्फाई करना है, तो 1,4 सेटिस्फाई, 1,4 पे H लगाने के बाद जो रिमेनिंग है वो डबल बोन लगा दो आप, अपने आप आंसर आ जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटा ही, तो ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो अभी मैंने बोला ये ब्रिज रिडक्शन है, मैंने बोला ऑर्थो मेटा, तो ऑर्थो और ये मेटा 1,4 1,4। तो देखो आप सिंपल सा मैं कंसेप्ट लगाता हूं इसका, ये लिया मैंने, यहां एच लगाई, यहां एच लगाई, एक एच तो थी, एक एच और जोड़ दी, तो ये वाला डबल बॉन्ड रह गया, ये वाला डबल बॉन्ड रह गया, और ये क्या रह गया, OCH3। उसके बाद HCl दिया हुआ है, और HCl क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, एडिशन और इसका प्लस आर, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उस पर चला जाएगा एच प्लस और ये बन जाएगा H, ये H और ये H और ये OCH3, यहां कार्बोकेटायन हाइली स्टेबल है और यहां Cl मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, तो ऐसा प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, ये वाला सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी फिनोल की CO2 एक्वस NaOH और हाइड्रोलाइसिस, सबको पता है रिएक्शन कौन सी है, कोलबे रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ता है, COH कार्बोक्सिलेशन, हाँ कार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहां बोला है P मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट यहां आएगा OH
ये सी ओ एच कार्बोक्सिलेशन होता है तो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया है। ये वाली रिएक्शन क्या है, एक्वस एनओएच बेस दिया हुआ है, इस एच को रिमूव करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और ये यहां से यहां अटैक करेगा और इस पे क्या कर जाएगा अटैक, और ये यहां से यहां, तो क्या बना आपके पास, ये बन गया, ये एजिट रह गया, ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया, ये एजिट रह गया, इधर से इस पे जुड़ गया तो सी ओ माइनस और ये एच और ये पी एच। अब इसके बाद यहां से यहां जो रिएक्शन हुई ना वो हुई ए आर एस, भाई ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इसके बाद ये यहां जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वहीं से H+ क्या होता है बाहर निकलता है और ये यहां से यहां वापस से ये बन जाएगा ये O- और ये C, ये H यहां चला जाएगा O H H और ये PH। उसके बाद आपको H3O+ दिया हुआ है तो यहां पे क्या सप्लाई हो जाएगी H+ सप्लाई हो जाएगी। मतलब इस रिएक्शन से आपने पढ़ा होगा बेकेलाइट पॉलीमर, उसमें भी हम यही करते हैं कि जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की बात करते हैं तो फिनोल की रिएक्शन HCOH से फॉर्मुलेट से एसिडिक मीडियम ले लो या बेसिक मीडियम ले लो तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये CH2OH ग्रुप जुड़ता है, ये सेम ही रिएक्शन है, लेडर मानस रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, लेडर मानस रिएक्शन बोलते हैं, पहले नोवेलेक बनता है उसके बाद बेकेलाइट की तरफ रिएक्शन जाती है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन, बेसिक मीडियम में H+ गया, फिनोक्साइड आयन बना, नेगेटिव चार्ज यहां आया, उसने यहां अटैक किया। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, यहां भी बेसिक मीडियम दिया हुआ है, ये H+ गया, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और कौन है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यहां CO2, और ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो पहले यही बना डबल बॉन्ड O और ये CO O-, फिर यहां से H+ बाहर निकल गया, ये यहां से यहां और ये COH और ये CO-, फिर H3 दिया था, यहां भी क्या जाएगा H आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम सभी जानते हैं, CHCl3 हेलोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस और वो भी फिनोल के साथ, राइमटाइमर रिएक्शन, राइमटाइमर रिएक्शन। ये राइमटाइमर रिएक्शन है, राइमटाइमर रिएक्शन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन, ये भी पूछता है भैया, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बिन होता है, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन, डीसीसी बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे, तो इस CHCl3 NaOH के साथ रिएक्शन करके ये HCl को बाहर कर देगा और क्या बना देगा CCl2 बना देगा, उसके बाद ये अटैक करना स्टार्ट करता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है ये वाला, रिएक्टेंट दिया हुआ है ये वाला, सॉरी ये वाला रिएक्टेंट दिया हुआ है। अब आपसे एक रिएक्शन तो ये हो गई कि CHCl3NaOH और ये कार्बिन बन गया और साइड में HCl क्या हो गया बाहर हो गया। सिंस रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है और ये फिनोल की H एसिडिक नेचर की होती है तो ये बेस इस H को भी हटा देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोक्साइड आयन में। ठीक है, और ये अब डाइक्लोरोकार्बिन आपके पास बनी है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली है और ये वाली है, बट यहां से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, जैसे अटैक करेगा ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ सी सी एल टू, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड एजिट रह गया, ये एजिट रह गया और यहीं से क्या हो जाता है एच प्लस बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है ये वाला O माइनस ये सी एच सी एल सी एल, फिर ओ एच यहां पर क्या सप्लाई कर देगा, ओ एच सप्लाई कर देगा एनए एच, ये एन ए सी एल एन ए ओ एच, ये एन ए ओ एच एन ए सी एल, यहां से क्या हो जाएगा बाहर
तो यहां दो OH आ जाएंगे बिल्कुल, और दोनों OH में से फिर H2O बाहर हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी तो ये वाली आ गई। ये बन जाएगा एक, ये तो मेजर प्रोडक्ट बन, ये मेजर प्रोडक्ट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं यही से अटैक करे, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना वो ये वाला है, ये वाला है ना, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से नेगेटिव चार्ज यहां भी है, और ये यहां से क्या अटैक कर जाए, CCl2 पे अटैक कर जाए, तो ये बन जाएगा। अब यहां से H प्लस निकलने के लिए जगह नहीं है, H है ही नहीं, तो है ही नहीं यहां पे, यहां तो H थी तो H निकल गई, तो जो सॉल्वेंट में जो H दी हुई H3O प्लस वही H यहां पे क्या कर जाएगी, अटैक कर देगी। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन हमें कहां मिला है बिटाना साहब का, एक तो ये बन जाएगा, एक फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है ठीक, एक मिनट, एक तो ये बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा, एक फर्स्ट बन जाएगा। एक फर्स्ट आपसे पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, फर्स्ट भी बन सकता है, बट ये मेजर नहीं है, मेजर प्रोडक्ट इसका ये वाला है, ये वाला मेजर है जो यहां मिसिंग हुआ है, मेजर ये पॉसिबिलिटी तो ये भी है, क्योंकि ये भी तो इस वॉच के रेस्पेक्ट में और तो पॉसिबल है ना, तो यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, बट मेजर यहां से आता है और यहां से भी अटैक कर सकता है, नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज आया वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, मतलब कार्बिन पे यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूं मेजर जो प्रोडक्ट है वो यहां से अटैक करेगा वो वाला बनेगा, बट ऐसा ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और हमें पूछा है पॉसिबल प्रोडक्ट, तो फर्स्ट आ जाएगा और ये वाला हमारे पास बना ही है, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द अबव ड्राउन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है इसके लिए स्टेटमेंट कौन है, इट गिव पॉजिटिव बीआर टू वाटर टेस्ट, डेफिनेटली देगा, अनसैचुरेशन का टेस्ट है, अनसैचुरेशन का टेस्ट है, इट गिव पॉजिटिव एनए मेटल टेस्ट, डेफिनेटली एसिड बेस एनए, यहां से एच को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा और एच टू गैस क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो ये भी सही है। इट गिव नेगेटिव आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आइडोफोम के लिए क्या स्केलेटन बोला था, ये वाला स्केलेटन होना चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं है, इसलिए आइडोफोम के लिए ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये स्टेटमेंट सही है। इसने पूछा है हाँ नेगेटिव, फिर इट डज नॉट गिव टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, देगा देगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, एलाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये देगा, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ये बोल रहा है इट डज नॉट गिव, और मैं बोल रहा हूं ये देगा, क्योंकि टर्बिडिटी वो हर एक एल्कोहल देगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो, 3 डिग्री हो, एलाइलिक हो, बेंजाइलिक हो, ये सब देंगे, तो यहां कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो रैपिडली रिएक्शन हो जाएगी, तो फोर्थ गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई है, एडलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये AlCl3 इसको ले लेगा, ये इस पे क्या कर जाएगा, अटैक कर एसिटोफिनोन, तो पहले तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन CO CH3, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, C डबल बॉन्ड और CH2 में बदल गया, ये CO किस में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा, ये लो, उसके बाद NBS बेंजाइलिक पोर्शन पे क्या कर देगा, ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल से, ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल से, तो ये बन जाएगा ये BR, उसके बाद NaOH दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा NaOH से SN2, और ये बन जाएगा OH, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये एलाइलिक एल्कोहल हो तो गया, सी डबल बॉन्ड हो, बेंजाइलिक हो गया ना, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, वापस एसिटोफिनोन बन गया, एसिटोफिनोन बन गया। अब आप ऑप्शन देख लें, W ये बना है 2,4-DNP टेस्ट, कार्बोनिल कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक टेस्ट है, तो देगा
यू पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेंस टेस्ट ना जी ना, ये तो कीटोन है, कीटोन टोलेंस टेस्ट नहीं है, एल्डिहाइड का होता है, तो गलत हो गया। आइडोफोन टेस्ट, तो ये स्केलेटन रहा, आइडोफोन तो समझ में आ जाना चाहिए था कब तक, तो डब्ल्यू इज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इसका कॉमन नाम है, सही है। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। हमें पता है कि फिनोल जो है वो Br2CH2 की प्रेजेंस में तो मोनोब्रोमिनेशन देता है, और Br2 वाटर की प्रेजेंस में ये ट्राइब्रोमिनेशन देता है, तो ये फिनोल है, तो इसकी ये ऑर्थो पैरा खाली नहीं है, ऑर्थो तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव तो नहीं देगा, नहीं देगा। हाँ। इसकी बात करें इस OH के रिस्पेक्ट में, ऑर्थो ऑर्थो पैरा ये दे देंगे। हाँ। यदि OH और NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे COH और SO3H ग्रुप है, मैं लाइन बोल रहा हूं उसको नोट कर लेना आप, यदि OH और NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे SO3H और COH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे ब्रोमीन से। तो यहां OH की पैरा पोजीशन पे SO3H है तो यहां भी आ रहेगा, यहां भी आ रहेगा, यहां भी आ रहेगा, ये भी दे देगा। यहां OH के रेस्पेक्ट में ये बेंजीन अशोरी, तो यहां भी से भी दे देगा, यहां से भी दे देगा, और एक मिनट OH में यहां दे देगा पैरा और ये ऑर्थो, ठीक है। तो यहां ये बेंजीन है, मिस प्रिंट हो गया है, अगर नहीं होता तो नहीं होता, सीधी नहीं होता। हाँ, बेंजीन है, ये बेंजीन मैंने बना दिया है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ब्रोमीन वाटर, फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव होता है, बट ट्राइब्रोमो पोर्शन पे पोर्शन तो खाली होनी चाहिए ना, तीन ऑर्थो पैरा, तो जैसे इसकी ये ऑर्थो ऑर्थो पैरा खाली नहीं है, नहीं दे रहा, इसमें ये ऑर्थो, ये ऑर्थो 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 पैरा तीनों जगह हो जाएगा। अब इसमें ये ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा, मैं बोल रहा हूं अगर SO3H ग्रुप है तो वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहां भी Br आ जाएगा, इसमें ऑर्थो ऑर्थो और पैरा, तो ये COH ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, मोल ऑफ CH3MgBr कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ रिएक्शन विल बी, कितने मोल ग्रिग्नार्ड जिंक के खर्च होंगे, तो सबसे पहले एसिड बेस, तो यहां से एसिड बेस एक मोल, यहां से एसिड बेस एक मोल, और एस्टर के साथ कितने मोल रिएक्ट करते हैं वो आप देख लें, क्योंकि एस्टर का स्केलेटन होता है ये वाला, दो मोल तो CH3MgBr ये अटैक किया, ये यहां से, यहां ये यहां से, यहां ये बाहर हुआ CH3CO ये बन गया, वापस से अटैक कर सकता है CH3MgBr, ये यहां से, यहां यहां से एल्कोल तक जा सकता है। एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड एस्टर एनहाइड्राइड, एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर, इनके साथ दो मोल कंज्यूम्ड होते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट के, पहले एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो यहां से यहां ये सब्स्टिट्यूशन हुआ एसाइल, OCH3 की जगह CH3 आ गया, उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और एसिडिक हाइड्रोजन है तो भी वहां ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम्ड होगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, दो तो यहां और दो यहां, टोटल फोर मोल कंज्यूम्ड हुए। अब बात ये आती है कि जब एसिड बेस रिएक्शन करा दी तो ये वापस कैसे बन गया, करवाई थी रिएक्शन और रिएक्शन कंज्यूम्ड हुआ है, ऐसे देख लो ये यहां पे O-MgBr और साइड में CH4 बन गया था, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट तो खत्म हो गया, बट जब इसने H+ डाला ना तो ये वापस से H+ यहां पे क्या कर गया, अटैक कर गया, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन हुई नहीं है, रिएक्शन तो हुई है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का मोल कंज्यूम्ड हुआ है, बट वापस से ये H+ डालने पे वापस से वहां पे क्या आ गया, H आ गया, तो यहां टोटल कंज्यूम्ड होंगे वो फोर मोल कंज्यूम्ड होंगे। तो ये था टॉपिक आज का, ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्कोल फिनोल, होपफुली सभी ने एंजॉय किया होगा। एक थोड़ा सा आप पहले से अपना मटेरियल पूरा प्रिपेयर रखें, उसके बाद आप ग्रुप देखोगे तो ज्यादा बेटर आपको फील होगा, क्योंकि कई रिएक्शन, हर एक रिएक्शन की यहाँ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, कि हर एक रिएक्शन की हम मैकेनिज्म बताना पॉसिबल नहीं है, फिर काफी लंबा वीडियो हो जाता है, तो फिर आपके ही कमेंट आते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको वेराइटीज के बहुत ज्यादा देना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले आप एक टॉपिक को आपको शेड्यूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके आए। जैसे अगले वाला टॉपिक है वो है इथर और कार्बोनिल कंपाउंड, तो एक बार उसको एनसीईआरटी से पढ़ के आ जाए, एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे तो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली गुरु नीति जेई में, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।